नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई शहर में कोरोना के पहले और दूसरे लहर के कहर के बाद अब नवी मुंबई में मनपा ने खुद के ऑक्सीजन प्लांट निर्मिति की दिशा में अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। आयुक्त अभिजीत बांगर के आदेश अनुसार मनपा पूर्ण रफ्तार के साथ कोरोना की तीसरी लहर के पूर्व मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट की निर्मिति कर रही है। आयुक्त अभिजीत बांगर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले एक महीने में 5 ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी के बचे 5 ऑक्सीजन प्लांट आगामी कुछ महीनों में बनकर तैयार होंगे। आयुक्त अभिजीत बांगर का कहना है कि इन 10 ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से मनपा 18 से 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पाएगी, जिसके बाद नवी मुंबई में ऑक्सीजन की कभी कोई किल्लत नहीं आएगी। सेकंड वेव में हमने देखा है कि ऑक्सीजन का जो नवी मुंबई में मैनेजमेंट हुआ है जो अच्छा हुआ है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रयास करने पड़े। अवेलेबिलिटी अगर है और अवेलेबिलिटी हम बढ़ाते हैं तो हमें थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो उसमें भी जो MLA फंड है, कॉरपोरेशन के खुद के फंड है, गवर्नमेंट के फंड है, ये सारे फंड के जरिए मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट हमने करने का अभी प्लान किया है। फिलहाल 5 प्लांट का काम चल रहा है जो एक महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे, और कम से कम 5 प्लांट मतलब इन ऑल कम से कम 10 PSA प्लांट जो कहते हैं, और 10 प्लांट के जरिए 18 से 20 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कॉरपोरेशन एरिया में की जाएगी। बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट की निर्मिति में नवी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी विधायक गणेश नायक और मंदा मात्रे की निर्णायक भूमिका रही है, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए विधायक निधि मनपा को प्रदान कर ऑक्सीजन निर्मिति पर जोर दिया। आयुक्त का मानना है कि स्थानीय विधायकों, मनपा के CSR फंड और सरकार द्वारा प्राप्त फंड के माध्यम से ऑक्सीजन निर्मिति का कार्य पूरे रफ्तार के साथ शुरू है। आयुक्त का मानना है कि नवी मुंबई शहर के आरोग्य की दृष्टिकोण से ये ऑक्सीजन प्लांट मील का पत्थर और मनपा को स्वावलंबी बनाने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।